गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट द डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? लुक हियर, ए डेसिमल नंबर कंसिस्ट्स ऑफ ए होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट एंड अ डेसिमल पार्ट। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास कहा 2.4, तो ये इसमें होल पार्ट है, ये डेसिमल पॉइंट है और ये डेसिमल पार्ट, इसको तो हम कहेंगे होल पार्ट। इसको हम कहेंगे डेसिमल पार्ट एंड इसको हम कहेंगे डेसिमल पॉइंट, ये होगा आपका डेसिमल पार्ट। तो अगर ये पॉइंट किसी नंबर्स के बीच में लगा हुआ है तो वो आपका डेसिमल नंबर होगा। इसके बाद अब आप देखिए कि डेसिमल्स नंबर्स को आप किस तरह से पढ़ते हैं। देखिए, आपके पास है ये एक्सरसाइज 7.1। इसमें आप देखिए, राइट द डेसिमल फॉर द पॉइंट मार्क ऑन द स्केल चूज फ्रॉम द क्लाउड्स। सबसे पहले देखिए 0 एंड 1। अब आप देखिए ये रेड मार्क यहाँ पे है, तो इसको पढ़ेंगे आप 0.1। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? स्केल पे देखो, आपकी स्केल होती है इस तरह से, उसमें 15, तो किस तरह से पढ़ेंगे आप? अब ये रेड मार्क यहाँ देखिए, तो ये 1 पूरा होल पार्ट है, तो इसको तो आप लिखेंगे 1, और फिर इसके बाद ये बारीक ब्लैक वाली लाइन पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, तो आप इसे लिखेंगे 1.4। 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट हुए हैं लाइन्स के, तो ये पॉइंट में पढ़े जाते हैं 1.4। अब आप ये देखिए, यहाँ पे 3 के बाद 3 और 4 के बीच में है ये, तो पॉइंट में आएगा, 3 तो पूरा आएगा, तो 3 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कितना? 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे आप, 3, 4, 5, ये हो गया आपका 3.5। नेक्स्ट, अब आप देखिए 4 के बाद आपका अब यहाँ देखिए 4 एंड 5 के बीच में ही है, तो 4 के बाद ये लाइन गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद ये हो गया 8, तो इसको लिखेंगे आप 4.8। नेक्स्ट आप देखिए 6 और 7 के बीच में है रेड मार्क, तो 6 के बाद ये तो 5 पार्ट हो गए, 5 के बाद 6, 7 एंड 8, तो इसको लिखेंगे 6.8। नेक्स्ट 7 और 8 के बीच में यहाँ देखिएगा आप, तो 7 के बाद 5 लाइन तो ये हो गई 6, 7, 8, 9, तो ये हो गया आपका 7.9। नेक्स्ट 9 के बाद देखिए 1, 2 लाइन्स हैं, तो इसको पढ़ेंगे आप 9.2। नेक्स्ट 11 के बाद 1, 2, 3, तो 11 पूरा, 0.3। अब देखिए 13 के बाद देखिए, 13 के बाद 5 लाइन तो ये हैं 6, 7, तो ये हो गया आपका 13.7। तो इस तरह से स्केल्स पे आप डेसिमल्स के पार्ट पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप, सी में राइट द नेक्स्ट 3 डेसिमल टू कंप्लीट द पैटर्न। इसको कंप्लीट द पैटर्न में आप कैसे करेंगे? 0.4, 0.5, 0.6, फिर क्या आएगा 0.7, फिर 0.8, ये होगा 0.9। यहाँ पे देखिए 6.34, 6.35, 6.37,
यहाँ पर 6.37, तो 6.38 एंड 6.39। नेक्स्ट 7.04, 7.05, 7.06, यहाँ लिखेंगे 7.07, यहाँ लिखेंगे 7.08 एंड 7.09। तो इस तरह से आपने देखा कि जो है डेसिमल पार्ट क्या होता है, जहाँ डेसिमल होता है, डेसिमल्स के टू पार्ट होते हैं, होल पार्ट एंड डेसिमल पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट। अब अगर किसी भी डेसिमल के पॉइंट की बात पढ़ना होता है, जैसे ये है आपका, तो 6.37 पढ़ेंगे इसको, आप इसको 6.36 पढ़ेंगे, इसको ये नहीं करेंगे कि आप 6.36 नहीं पढ़ोगे, पॉइंट के बाद अलग अलग पढ़ते हैं। थैंक यू।